बहुत लंबी फ्लाइट है। तुर्की एयरपोर्ट इस्तांबुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के टाइम 6। हाँ ये रही मम्मा, ये रही काकू। मुबारक हो आप लोग, खैर खरीत से पहुँच गए। मम्मा और जल्दी जल्दी अब यहाँ से निकल है क्योंकि इमिग्रेशन में भी काफ़ी टाइम लगेगा। पूरा दिन ट्रैवलिंग में चला जाता है, पूरा दिन जी। काकू पिछले साल आई थी तो कह रही है कि ये वो एयरपोर्ट नहीं है, दूसरा है, लेकिन ये है यहाँ का एयरपोर्ट। और यहाँ पे भी अभी चल रहा है। मम्मा बेचारी थोड़ी थक गई, ये कहाँ चले गई। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं भाई और बहुत लोग आए हुए। आई थिंक वाईफाई का कोड ले रही है या कार्ड इमिग्रेशन पोर्शन। मम्मा यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सफ़र। और मम्मा कह रही है बंदा महीने पहले चलना शुरू हो जाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और इस वक्त मम्मा का चलना बहुत इस वक्त हमारे लिए टेंशन वाला भी, क्योंकि मम्मा चल नहीं सकती। और ये आ गया, ओ हो हो हो, छोटी सबसे आगे, वो तो किसी के हाथ ही चढ़ी है। बदोबदी अम्मी को हम ज़बरदस्ती खींच के लाए। और ये आ गया यहाँ का एयरपोर्ट। अच्छा इस वक्त मेरी आवाज़ सिर्फ सुन सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ ट्रॉली खींचने का काम कर रहे हैं, तो हम अपनी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन ये कि हम लोग ड्यूटी फ्री शॉप आ चुके हैं और यहाँ से अपने बैगों की तरफ जाएंगे और कुछ आई थिंक चीज़ें इसे भी लेनी है बैग के। ये है यहाँ, हाँ शुरू हो जाता है हमारा सफ़र। और ये एयरपोर्ट आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अब कल से आएंगे वो तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। छोटी तो एक्चुअली पहले आ चुकी है तो वो हमको लेके जाएगी, वही हमको घुमाएगी। उफ ये पीछे पीछे बेचारी को हम खींच ही रहे हैं, मम्मा चलो चलो चलो, लेकिन मम्मा के साथ वैसे जाती है। लेकिन हमें यह था कि हमारी मम्मा हमारे साथ घूमें, इसलिए मम्मी को साथ लेकर आ गए कि खूबसूरत जगह है मेरा देख लें। तो बाकी ये कि जहाँ आपको घूमना होता है वहाँ चलना तो पड़ता है, और चलने का काम ग्रामीण के लिए मुश्किल है, लेकिन अम्मी मुझसे ज़्यादा चल लेंगी, मुझे ये बताएं। मैं चलने में थोड़ी माठी हूँ लेकिन अम्मी बहुत अच्छी हैं। हम बैग की तरफ आ चुके हैं, ट्रॉली लेंगे और फिर यहाँ से अपना बैग कलेक्ट करेंगे। ट्रॉली लेने के पैसे हैं भाई, यहाँ से पैसों की गिनती शुरू हो जाती है। अम्मी हर चीज़ पैसों से, दुनिया में आप कहीं ट्रैवल करो कुछ करो, हर जगह पैसा ही पैसा चाहिए। तो ये यहाँ का एयरपोर्ट है, पूरा घर विजिट नहीं करा सकती क्योंकि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जो जो हमारे सामने आता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी ताकि आप लोग देखते हैं। सो लाइन में लग, हाँ क्या 16 क्या है बैग। अच्छा चलो हम किसी और बाइक पे खड़े हुए हैं, शाबाश। चलें यहाँ से जैसे ट्रॉली तुम लेके आओ, हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ से बस मैंने आपको जो दिखाना था थोड़ा थोड़ा क्योंकि ज़्यादा नहीं दिखा सकती। पूरा दिन लग गया आज ट्रैवलिंग में। कनेक्टेड फ्लाइट थी दुबई से, ज़्यादा स्टे नहीं था वहाँ 1 घंटा, लेकिन फिर भी डिफारी तो होती है ना। और यहाँ से आई थिंक बस सामान लेके अभी हम होटल ही जाएंगे, कुछ खाना पीना करेंगे और कल से हम अपने वो जो सफ़र है जो है वो हम शुरू करेंगे। और आई एम सो हैप्पी, फर्स्ट टाइम तुर्की और सुना तुर्की बहुत खूबसूरत जगह है जो हमने पिक्चर्स में देखा था। तो खैर किससे बात कर रही मम्मा, भाई। अच्छा काम करके फोन सुनो जी, भाई भाई से मेरी बात कर रहे हैं। चले आ रहे मम्मा आगे। अब मेरा तो नेट नहीं चल रहा क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसेस था, मैंने भी वाईफाई कनेक्ट नहीं किया, लेकिन काकू ने कर लिया है। तो अम्मी तो शुरू हो गई आती थी, बेटे से हम पहुंच गए अंकल खैर से। और यहाँ से खैर शुक्र अल्लाह के हम खैरियत से हम सब लोग पहुँच गए। अम्मी ऐसे थकी है ना यहाँ आके, बस सामान के लिए खड़े। अम्मी ऐसे थकी है जिसकी कोई हद नहीं। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो बदी लाने का अभी तो यहाँ से शुरू हुआ है, अभी तो एयरपोर्ट पहुँचे हैं, अभी तो यहाँ बहुत जगह बढ़ जाता है। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, सामान कलेक्ट करने के लिए बस गए। काफ़ी ज़रा ट्रॉली लेंगे, यहाँ स्टार्टिंग से पैसे शुरू होते हैं, हर चीज़ के पैसे हैं भाई, ट्रॉली लेने के पैसे। खैर चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
हमारा सफ़र जो यहाँ तक का था वो क्या, अब यहाँ से आगे के जो सफ़र होंगे वो तो पता नहीं, लेकिन जब जो भी एक्सपीरियंस होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होगा। ये है यहाँ का एयरपोर्ट और हम लोग पहुँच चुके हैं तुर्की और ख़ूबसूरत बाहर का वेदर अभी नहीं पता, खैर यहाँ पे शाम हो चुकी है, हम जब तक बाहर निकलेंगे आई थिंक 7, 7:30, 8 बज चुके होंगे। और बैक के लिए बस अभी हम लोग जाएंगे। और मेरी मम्मा कहाँ गई, मेरी मम्मा इधर गई थी। हाँ ये रही, ये रही, ये रही मम्मा खो गई थी मेरी। ये मम्मा खड़ी हुई है लेकिन अभी तक बैग नहीं आए, हम लोग बाहर निकल आ चुके हैं लेकिन बैगों का भी इंतज़ार हो रहा है ना। यहाँ पे लोगों के कपड़े देख के, चीज़ें देख के तो थोड़ा सा मेरा भी दिल चाहता है थोड़ा सा मेरा मॉडर्न हो जाए ताकि थोड़ा सा इंजॉय कर सकें यहाँ के लिहाज से। बाकी एक सेकेंड दिखता हूँ, हमारा बैग है लेकिन अम्मी ये देखिए हमारा बैग है मम्मा, ये मम्मा यस वो हमारा ही बैग है, मुझे लगा था दूर से वो हमारा बैग है, मम्मा ने छोटा हैंड के लिए हमने जमा करा दिया तो वो हमारा ही बैग है। हाँ तो मैं आपसे कहती हूँ थोड़ा सा हम यहाँ के हवाले से थोड़े से मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, तो देखने वाले से गुजारिश है खुदारा तनकीद ना कीजिएगा क्योंकि आप लोग सबसे पहले वो चीज़ें देखते भी हो और बोलना भी शुरू कर देते हो, पर वही बात है हमारी ज़िंदगी है, बोलेंगे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी खुद जियो, आपके घर में दाने कुत्ते तो कोई डाल नहीं रहा था, खुद कमाना खुद मेहनत करनी, जब आप अपनी मेहनत की कमाई से जाते हो ना तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो खैर यहाँ पर इन्जॉय करेंगे, फैमिली के साथ मौजूद है और एक एक पल की चीज़ें हम इसलिए बनाते हैं कि हम फैमिली के साथ होते हैं, और जब फैमिली के साथ है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है, वरना अक्सर होता है कि खैर छोड़ें इस बात को भी, लेकिन यहाँ से जो भी चीज़ होंगी मैं रिकॉर्ड करूँगी। और खैर यहाँ से थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे और अभी काकू कही है जरा ट्रॉली देने, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसकी है, पैसों का लेन देन समझना करना सब चीज़ें वो करती है और उसी ने सब चीज़ें मतलब मैनेज भी की थी, तो बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह अब मैं रिकॉर्ड करूँगी लेकिन करेगी सारी वो ही। चले जी हमारे बैग आ गए, 1, 2, 3 और 2 हैंड के लिए और 1 काकू के पास है, काकू बैग लेने गई हुई है, ट्रॉली लेने गई है, खैर वो आ जाए तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे। खैर ट्रॉली वो सही चल नहीं रही थी और यहाँ से अब हम निकलेंगे। ये रहा हमारे बैग और ट्रॉली का वेट और 3 हैंड कैरी और 3 दूसरे बैग, नाना करते करते भी 22 केजी हो गया, 3 केजी में हम क्या लेकर आएंगे, 25 केजी अलाव है, समझ में नहीं आ रहा कि 3 केजी में हम क्या ख़रीदेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि चंद कपड़े रखे हैं क्योंकि 9 दिन है। हमें कह रही हम कुछ नहीं लाएंगे लेकिन हम वही बात है अभी सिर्फ 3 केजी सबके पास है और हैंड कैरी भी भरे हुए तो हम क्या करेंगे कुछ नहीं पता। खैर हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, अमीर साहब कह दिया, वो तो बोला है लेकिन फिर भी दिल को कुछ दिल को तो बहलाएंगे, थोड़ा बहुत तो ले जाएंगे, सिर्फ अपने लिए तो लेके जाएंगे ना, अम्मी को राजी कर रही हूँ, अम्मी अपने लिए ले जाएंगे। ये हम पहुँच चुके हैं, हमने ले लिया और आगे आगे काकू पीछे पीछे हम, और ड्राइवर हमारा बाहर वेट कर रहा है। अब निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट से और ये मम्मा और इसको ज़रा यहीं पे बस ख़त्म कर देंगे, यहाँ से बस हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि ड्राइवर आ चुका है। और मैं ही सुंदर सबके पास बैग है, हाँ कितना खूबसूरत, रजनी लाइट्स मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है लाइट्स माशाल्लाह। हाँ सर चलते हैं बाहर और ट्रॉली घुमाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ट्रैवलिंग होती है भाई मुश्किल काम, वाकई पीछे घूम घूम के मुझे देख रही है मैं कहीं रह ना जाऊँ, मैंने कहा चले चले मैं पीछे ही हूँ। हाय यहाँ से अब एग्जिट बाहर के मनाजिर और ये है इस्तांबुल तुर्की का एयरपोर्ट। खैर ओप्स एकदम से आगे कोई आ जाता है, चलती चलती गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, यहाँ तो यही चल रहा है जब से। क्यूट कितनी क्यूट बेबी है, काकू फिर मम्मा फिर पीछे सबसे पीछे मैं, पीछे रहने का रीज़न ये है कि मैं इनके साथ साथ देखती भी जा रही हूँ। खैर यहाँ से बाहर हम लोग शायद आ ही गए और यहाँ से हम दिन दिन में बाहर आ गए भाई, दिन दिन में बाहर आ गए, सूरज नज़र आ रहा है इसके अलावा अभी दिन है बाकी है। वेदर बताती हूँ यहाँ पे, हवा तो ठीक है इतनी गर्मी नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गए। ये कौन से प्लांट हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन हम लोग बाहर आ चुके हैं और वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का जिसको हमने अभी कॉल किया है
और बस यहाँ था हमारा सफ़र यहाँ तक का। इसको खैर यहाँ से ही बस ख़त्म करूँगी कि यहाँ से जाएंगे होटल और होटल की तरह देखते हैं होटल कैसा है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कोई भी चीज़ें ना देखी थी ना मुझे मालूम थी, लेकिन ये पता था कि हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे अभी भी अच्छी खासी गर्मी है, मतलब पसीना आ रहा है। कराची जैसा तो खैर नहीं है लेकिन गर्मी है, ये नहीं कह सकते कि गर्मी नहीं है। तो खैर यहाँ से चलते हैं होटल, फिर इसी को इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। फाइनली हम लोग तुर्की इस्तांबुल पहुँच चुके हैं, आपको साथ ले जा रही है। काकू ने कहा जगह जगह बिल्लियाँ आपको मिलेंगी, तो हमने पहली बिल्ली जो कैप्चर कर ली है, दो बिल्लियाँ ये बैठी हुई हैं। थैंक यू सो मच, मैं हम पहुँच गया है। अम्मी बेचारी भी थक गई है बहुत ज़्यादा, मैं भी थक गई हूँ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और गाड़ी आ गई है, सामान बस उसमें रखा जाएगा। बड़ा और यहाँ से हम खुद ऑफिस कहते हैं आपको, कई लोग मम्मा लोग खड़े मेरे तो यहाँ पे इतना तेल आ गया, देख इतना ऑयल जी। हमारा होटल आ गया और कितने खूबसूरत होटल है। अच्छी शाम अच्छी है ना, शाम अच्छी है, मज़े के करीब है। रमाडा भी साथ ही है, रमाडा आई थिंक पीछे रमाडा है। ये आ गया हमारा होटल जी, यहाँ से जा रहे हैं अंदर। हाँ जी मम्मा मम्मा के ख्याल से मम्मा का ये टेंशन रहेगा। मम्मा 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 शावी दिस वन ओके कह रहा है बहुत हैवी है। मेरे का कौन सा वाला ज्यादा हैवी है, माओ का रेड वन हैवी नथिंग 22-21 केजी या 22 केजी के थक गई नहीं और मैं बैठ बैठ के थक गई या छोटे 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 हर चीज छोटी छोटी छोटी। चले जी फाइनली रूम वाओ क्यूट क्यूट। इससे पहले कि कमरे की हालत ख़राब हो जाए कल के बाद, मैंने कहा ज़रा इसको क्यूट। यहाँ पे हर जगह सामान ही सामान नज़र आएगा, इसलिए मैंने कहा अभी कैप्चर कर लूँ चीज़ें, क्योंकि कल जो हम यहाँ बैग रखेंगे सामान खोलेगा तो अम्मी कह रही है ग्रीन टी भी येलो लेबल भी है और बैग आएंगे ग्रीन टी पीने के लिए। और ये रही मैं और हम लोग पहुँच गए होटल, लोगों में बैठे। ये था हमारा रूम जो मैंने दिखाया, सारे होटल से छोटा सा क्यूट सा रूम है, मज़े का रूम है, जो कल के बाद सब मैसी हो जाएगा क्योंकि जगह जगह बैग खुल जाएंगे, लेकिन अच्छा रूम है। और हम लोग पहुंच गए, बस यहाँ से ख़त्म करेंगे इसी चीज़ को। और मैंने कहा फाइनली ये हमारे रूम की वीडियो थी जो मैंने मैसी होने से पहले रिकॉर्ड कर ली। ये बैठी हुई मम्मा मम्मा आ जाओ आयरन दे रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है, खाने की तलाश में अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी स्लोली स्लोली चल रही है। हाँ अभी खाने वाले ये भी ना मिले आगे तलाश में, कर अभी जो मिलेगा खा लेंगे क्योंकि पहला दिन है और नौ नखरा थके हुए जल्दी खाएंगे घर जाएंगे ताकि
ताकि आज से आराम करें।